ठीक है, अभी दो मार्कर लगा रखे हैं, एक ब्लू मार्कर है और एक है व्हाइट मार्कर। अभी ये व्हाइट मार्कर मैंने थोड़ा सा इस साइड लगाया हुआ है, ब्लू मार्कर इधर लगाया हुआ है। अगर आप इंचिंग करने जाओगे तो इंचिंग करने के लिए आपका जो टारगेट है ये व्हाइट मार्कर की तरफ रहेगा, जो ऑप्शन से हल्का सा बाहर है। यहाँ से बॉल पड़ेगा अंदर की तरफ चलेगा तो दिक्कत होगी बैट्समैन को, खेलने आता है तो इन साइड तक क्या आ सकता है बॉल, बैट और पैर के बीच में गैप होगा तो निकल सकती है बॉल। लेकिन जब आपने आउटस्विंग का ट्राई करना है तो आउटस्विंग यहाँ से करानी है आपको, ठीक है। यहाँ से वो खेलने जाएगा, बैट्समैन हल्का सा बॉल बाहर निकलेगा तो एज लगने का चांस बनेगा, ठीक है, या बाहर निकलेगा ऑफ स्टंप पे लगने का चांस बनेगा। इसलिए ये वाले कौन से, अभी जो बॉल पड़ा था तनाव का बहुत अच्छा इनस्विंग हुआ, लेकिन वो इनस्विंग के साथ वो लेग स्टंप को भी मिस कर दिया, वो यहाँ से पड़ के पूरा वाइड हो गया, यहाँ पड़ी थी वो बॉल, और यहाँ पड़ने के बाद बॉल, यहाँ पड़ने के बाद बॉल यहाँ से ऐसे निकला है तना। लेकिन अगर वो बॉल आपका व्हाइट वाले मार्कर की लाइन में होता तो कहाँ पर रहता वो विकेट पे रहता, तो यहाँ पर चांस अगर पैड पे लगता है तो एलबी का भी बनेगा। तो इसलिए दोनों मार्कर को ध्यान में रखो, अगर आप आउट इन स्विंग की ग्रिप लेकर चल रहे हो तो इन स्विंग की ग्रिप लेकर के कौन से और टारगेट